हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और कितनी तेज वाली धूप जो है ना वो आ गई है, और अभी सुबह के जो है 7 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है। तो ना अब मतलब सुबह सुबह ना जल्दी नींद भी खुल जाती है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ वाली मतलब अब गर्मी ना एकदम से बढ़ती जा रही है। तो उठ जाते हैं, और आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे, तो थोड़ा सा हमने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा तो दिखाती हूँ। और यहाँ पर फूल काफ़ी सारे खिले हुए हैं, और जो पुदीना है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बस ये है कि पानी डेली चाहिए होता है पुदीने में। और यहाँ पर ये देखिए आम कितने अच्छे, मतलब अब है ना अचार डालने का टाइम आ गया है, तो बस अचार डालूँगी मैं, रख लूँगी, क्योंकि अभी तक मतलब है ना मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के डालूँ, पर मैं सोच रही हूँ अभी डाल देती हूँ। फिर बारिश तो मतलब हो ही रही है, ऐसे कभी कभी हो ही जाती है, तो इसलिए ना पानी मतलब कहते हैं हम बहुत से लोग, सभी लोग कहते हैं ऐसे कि बारिश हो जाती है जब जाके अचार रखते हैं। आज का जो वीडियो है ना मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, क्योंकि मतलब वो सुबह उठ गए थे ना, तो फिर वो बनाने लगे थे वीडियो। मैं यहाँ पर अपना ब्रश कर रही थी, अभी नल नहीं आए हैं तो नल जो है वो आने वाले हैं, फिर उसके बाद पानी भरेंगे। और कार्तिक भी जो है ना उठ गया है, कार्तिक को मतलब बिस्तर में उठा देती हूँ, फिर साइड में कर देती हूँ, वो सोता रहता है, उठता तक नहीं है वो, कम से कम 1-2 घंटा और सोता रहेगा, 10 से 10:30 बजे तक ऐसे सोता रहे। तो आज ना मेरे हस्बैंड चाय बनाने वाले हैं, मतलब इतना बड़ा जो काम करने वाले हैं काफ़ी दिनों क्या कई महीनों बाद, तो यहाँ पर वो बनाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से वो दिखा रहे थे। और विंडो देखिए कितनी, मैंने है ना एक काम किया विंडो में, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर साइड मेरे पास चिड़िया रखी थी, आर्टिफिशियल चिड़िया, तो उठो मैं लेकर आई थी तो वो रखी हुई थी। तो ना मैंने इस वो चिड़िया को ना दोनों जो है खिड़की पे से टंगा दी थी, छोटी छोटी सी रस्सी बांध कर। तो यहाँ बस मैं चाय मतलब ये चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते बस सभी चीज़ों को जो है ना वो ढूंढ रहे थे, कि सोच रहे थे चाय मिल हो, मतलब इतनी जल्दी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, किचन में रहती सामने ही है, लेकिन ये है कि वो उथल पुथल कर देते हैं सारा कुछ, उनको इतना आइडिया नहीं रहता, इसीलिए मैं ना उनको किचन में ज़्यादा काम करने नहीं देती हूँ और ना करवाती हूँ, बस अपने मन से जो है करने लगते हैं तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पर शक्कर और चाय पत्ती जो है ना वो यहाँ पर रख लिए हैं, तो यहाँ पर उनकी चाय बन रही है गर्मा गर्म, और खुद चाय बना रहे हैं, तो फिर आप लोगों को मालूम चल गया होगा चाय अपनी पसंद की बनाएंगे। सुबह सुबह उनको काली चाय पीना पसंद है, और मेरा मूड ख़राब हो जाता है, पर कोई नहीं मैं पी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ना वो अपनी पसंद की जो है वो चाय बनाएंगे। और यहाँ पर बस जी गैस ना जो मेरा पता नहीं किस टाइप का हो गया, धीमा करो ना तो पूरा ही बंद हो जाता है, पूरा ऑफ हो जाता है। तो ना फ्रेंड्स, ये इस वाले चैनल पर मैं काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ छोटा सा, तो वो भी मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, तो मैंने सोचा मैं एडिट कर देती हूँ। तो अभी इन्होंने, अब देखिए जिससे जो आता है वो वही कोशिश कर सकता है, वही बना सकता है, अब उनको थोड़ी आता है ब्लॉगिंग वगैरह करना और इतना सब उनसे बनाना वॉइस करना है, ये सब नहीं आता, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश थी की, पर पता नहीं होता है ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता, आप खुद समझ सकते हो। तो वो है ना तो बहुत मतलब वो हो गए एकदम, मतलब
क्या बोलूँ, उदास टाइप में कि अरे मेरा वीडियो में मैं जैसा बनाता हूँ पता नहीं लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, बोलते हैं, ऐसा वैसा जज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिसका जितना नॉलेज जितना दिमाग उतना इंसान काम करता है, तो उनको जैसा समझ में आता है उनने वैसा किया। उनको ज़्यादातर यही वो देखते रहते हैं ना वीडियो पे टैग वगैरह, वीडियो ज़्यादा देखते रहते हैं। तो उस तरीके से उनने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन वो भी कोशिश है ना, जब भी वो कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं तो वो मतलब वो हो जाते हैं एकदम, मतलब हार मान जाते हैं कुल मिलाकर। तो वो वही वाला हाल हो गया। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, वो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे सपोर्ट तो फिर कैसे चलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि इतने सारे चैनल हो गए ना, तो मैं वो सोचते हैं मेरे ही बारे में सोचते हैं कि मैं अकेले लगी रहती हूँ, दो तीन चैनल, ऊपर से कितना काम सब कुछ। तो वो इस वजह से मेरा साथ दे रहे थे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को उनके चैनल उनकी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो बताना, नहीं तो फिर मैं ही इस तरीके के बनाऊँगी थोड़े मतलब रूटीन के हिसाब से ही। क्योंकि मैं तो यही कर सकती हूँ ना, जो भी आता है वैसे ही करते हैं। तो बस यही बताना था फ्रेंड्स, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।